हल्द्वानी में अल्पसंख्यक आयोग की जनसुनवाई हुई, जिसमें अल्पसंख्यकों के कई मामलों का निस्तारण किया गया। इस जनसुनवाई में सड़क, बिजली, पानी और अवैध कब्जे और पारिवारिक समस्या सहित कई जनसमस्याएं सामने आईं, जिसमें उपाध्यक्ष महजहर नईम नवाब ने अधिकारियों को तत्काल जन शिकायतों का निवारण करने के निर्देश दिए। साथ ही बैठक में नदारद अधिकारियों को नोटिस देने के भी निर्देश दिए हैं। आयोग ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि जल्द ही अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाएं, नहीं तो आयोग सख्त कार्रवाई करेगा। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। कुछ अधिकारियों ने अपने प्रतिनिधि भेजे थे जो जवाब नहीं दे पाए, हमने उनको नोटिस करा है और उनसे स्पष्टीकरण मांगा है और अभी 20 या 25 फाइलों की सुनवाई हुई है। अभी आधी सुनवाई हुई है, आधी सुनवाई होनी है। और जो अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे, सुनवाई में सहयोग नहीं कर रहे, हमारा मन है एक बार हम स्पष्टीकरण ले रहे हैं। अगर हमारे स्पष्टीकरण पर वो अधिकारी आयोग के सुनवाई में सहयोग नहीं करेंगे तो हम उनके खिलाफ़ कार्रवाई करने के लिए जो हमें अधिकार दिए गए हैं उनके तहत कार्रवाई करेंगे।